हाय फ्रेंड्स, ये जो हमारे बैंगन के झाड़ है इसमें जो कि फल कम आ रहे हैं तो उसको आज हम थोड़ा नीचे साफ करके थोड़ा दवा डालेंगे जिससे फल और ज़्यादा लगे। दोस्तों देखिए, इधर से दो इंच दूर में है, ऐसे तरह माटी निकल लेंगे। मट्टी और इस तरफ देखिए, और ये है हमारा डीएपी और यूरिया दोस्तों मिक्स है, जिससे झाड़ मोटाई भी होगा और लंबाई भी होगा। दोस्तों देखिए, डीएपी है, ये डीएपी और यूरिया मिक्स है। अब इसको ढक देंगे, फिर देने के बाद इसे पानी देंगे। दोस्तों ऐसा ही हर एक पौधे को करेंगे क्योंकि फल बहुत कम आ रहा है। इधर एक है, देखिए खाद दिए तो क्या है, उसके ताकत मिलता है। दोस्तों मिट्टी से इसको फिर ढक देंगे क्योंकि वो बाहर ना निकल जब पानी दे देंगे। देखिए बैंगन है, ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा बैंगन है। अब इसमें खाद जो है उनको विटामिन का काम करेगा। दोस्तों जो खाद है ना ये विटामिन का काम करेगा। डीपी और यूरिया मिलाए हैं जो कि झाड़ लंबा होगा और फल ज़्यादा होगा, फल भी ज़्यादा आएंगे। दोस्तों अभी तक हमने 1, 2, 3 झाड़ को डाले हैं, 3-4 हो गए, 4 हो गए। एक गन्ने का देखिए, ऐसे पूरा रावण से डाल देंगे। देखिए जिससे झाड़ को ताकत मिले और गर्मी का मौसम है, ज़्यादा नहीं देंगे खाद।
जगह भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए जो काम का नहीं है उसको ऊपर हम निकल दे रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए इसमें एक भी, देखिए दोस्तों इसमें एक भी बैगन नहीं हुआ है। और जो पुराना पत्ता है पत्ता भी थोड़ा निकल देंगे। अभी देखो साफ करके और डाल देंगे, इनको भी देखभाल करना पड़ता है, नहीं तो फिर बड़ा नहीं होगा, फल नहीं देगा दोस्तों। और ये जो घास, यही जो कि उसका ताकत ज़्यादा ले लेते हैं। इसको थोड़ा ढक देंगे, देखिए उसमें एक बैगन हुआ। देखिए दोस्तों एक दो तीन, अभी इसमें जो जितना भी पेड़ा है पूरा उसका खाद डालेंगे और जो घास निकल देंगे। ये देखिए काम का नहीं है पूरा, दोस्तों देखिए ये हमारा टमाटर का झाड़ है, इसमें फूल भी आ चुका है। इसको आज थोड़ा खाद देंगे दोस्तों, खाद दिए तो जो झाड़ थोड़ा लंबा होगा और थोड़ा ताकतवर होगा दोस्तों। आप भी ऐसे घर पर दे सकते हो, आपके घर में कोई झाड़ है वेजिटेबल्स का, बहुत सारा झाड़ है इधर। पूरा राउंड से मट्टी निकल के ऐसा डाल देना दोस्तों, सिंपल काम है। और तो ढक देना, ऐसे ही बहुत झाड़ा है। देखिए पानी दो दिन से नहीं दे रहे, हम थोड़ा नहीं थे, पूरा सूख जा रहा। देखिए झाड़ का कंडीशन देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करो दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये जो नींबू का झाड़ है उसको भी थोड़ा दे देते खाद दोस्तों। इधर बहुत सारा झाड़ा है टमाटर का, उसमें तो खाद डाल देंगे। जब मट्टी को थोड़ा वो कर लेंगे ये खाद डालेंगे। देखिए इतने ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिए तो झाड़ा जल जाएंगे, फिर टमाटर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फूल भी नहीं आएगा दोस्तों।
देखिए एक देखो अभी पानी दे दिया तो मट्टी से पर ढक दिया है, अपना ताकत आ जाएगा उसमें। देखिए दोस्तों जहाँ जहाँ हमको मिल रहा है चारों तरफ दे रहे हैं, नहीं तो दो तरफ दे रहे हैं दोस्तों। और ये क्या है, टप पत्ता है। इसको भी थोड़ा डाल देते हैं। ऐसे खींच लेना, ऐसे खींच लेना, ऐसे खींच लेना, ऐसे खींच लेना, जो कि इसका शेप में आ जाएगा। कोई कोई पौधे में हम चारों तरफ दे रहे हैं, कोई कोई पौधे में तीन तरफ दे रहे हैं, कोई कोई पौधे में हम राउंड करके दे रहे हैं। देखिए ऐसा ऐसा, और भी कुछ पौधा बाकी है दोस्तों। देखिए और 10-12 पौधा बाकी है, उसको भी अभी पूरा दे देंगे। अभी दोस्तों गर्मी का सीजन आ रहा है, पानी भी इसमें हर दिन देना पड़ेगा दोस्तों। पानी अगर नहीं दिए तो इसमें टमाटर नहीं होने वाला है। देखिए ऑलरेडी फूल आ चुका है टमाटर का, ये फूल है, किसी किसी में टमाटर भी आ चुका है। हमको पता ही नहीं टमाटर आ वो झाड़ पे आए हैं। देखिए दोस्तों ये जो झाड़ है सबसे हमारा पुराना झाड़ है, इसमें तो अभी तक हमने बहुत बैगन खाया है इस झाड़ से।